हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साप्लानर। तो पिला माने समस्ते किपरि अछ? आशा करूछु समस्ते बहुत भलरे थिबो। तो पिला माने तुम मानक पई राज्य सरकार द्वारा गोटे स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन अण जाइछि। मुख्यतः एठारे तीन प्रकार स्कॉलरशिप अछि। प्रथम होउछि प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, पोस्ट मेट्रिक, देन अछि आउ गोटे जोटा कि आम आगक आलोचना करिबा। यार लास्ट डेट केबे अच्छी किंतु बोली कहीं गोटे ऑप्शन दिया जाए, यह सब जिनस आम वीडियो रे डिस्कस करिबा। ठीक अच्छे, तो चलो स्टार्ट करिबा। एक्चुअली पिला माने एटा गोटे चिट्ठी हेछि को डिपार्टमेंट द्वारा ना गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी, यही डिपार्टमेंट द्वारा चिट्ठीटी होइछि। मन रख, यही चिठीटा गोटे रिमाइंडर चिठी अटे, अर्थात यह पूर्व भी गोटे अलरेडी चिठी होता, ताको पुनर्बार उतरे रिपीटेड हिसाब से समस्त कलेक्टर मानक मन पकड़ापी चिठीटी कर 7/9/2022 चिठी होती। चिठी नंबर हूँ 6712। ठीक अच्छे, तो चिठीटी मुख्यतः कर व्रतती हरिचंदन आईएएस डायरेक्टर द्वारा समस्त जिलापा कहगला टाइमलाइंस ऑफ एप्लीकेशन इन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 शिक्षा वर्ष पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल माध्यम रे जो एप्लीकेशन जो फॉर्म सबमिट कर जाउतला तार टाइमलाइन को नेगिरी किछि कह जाइछि। तो एठारे कह जाउछि मैडम और सर, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट, मु कहिया पई चाहूछि जे द प्रोसेस ऑफ सबमिशन जो एनएसपी पोर्टल रे जो सबमिशन कर जाउतला एप्लीकेशन गुडी को कहा द्वारा ना स्टूडेंट विथ डिजेबिलिटी। मन रख, ए जो स्कॉलरशिप स्पेशली स्टूडेंट्स विथ डिजेबिलिटी मीनस भिन्नक्षम पिलामानक पई अटे। तो भिन्नक्षम पिलामानक द्वारा जो सबमिशन कर जाउतला ए स्कॉलरशिप पई एकेडमिक ईयर 2022-23 पई ता ऑलरेडी स्टार्ट होई सारिछि। को पोर्टल रे ना एही पोर्टल रे स्कॉलरशिप scholarship.ohlarships.gov.in एही वेबसाइट रे 20/7/22 तारिख रु ऑलरेडी आरंभ होई सारिछि। द टाइमलाइन फॉर डिफरेंट स्कॉलरशिप, तो भिन्न भिन्न स्कॉलरशिप पई जो भिन्न भिन्न टाइमलाइन अच्छी जहाँकि तले मेंशन कर देखिपे तीन प्रकार स्कॉलरशिप अच्छी, प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप और टॉप क्लास स्कॉलरशिप, तीन प्रकार अच्छी। मुख्यतः जब प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप कथा कह यार ओपनिंग डेट थी 20/7/22, लास्ट डेट हूँ 30/9/22 मीनस यही मस 30 तारीख। यार जो आप्लिकेसन को दुई प्रकार भेरिफिकेसन कराव, गोटे हूँ इनिट्यूट लेवल भेरिफिकेसन और हूँ स्टेट लेवल भेरिफिकेसन। इनिट्यूट लेवल भेरिफिकेसन 16/10/22 सुधा हे, आउ स्टेट लेवल भेरिफिकेसन 31/10 सुधा हे। तो प्रथम इनिट्यूट लेवल भेरिफिकेसन हम, तापर स्टेट लेवल भेरिफिकेसन हम, देन अच्छे आम पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप जार स्टार्टिंग डेट थी 20/7/22, लास्ट डेट हूँ 31/10/22। यार इनिट्यूट लेवल भेरिफिकेसन हम 15/11/22, आउ स्टेट लेवल भेरिफिकेसन हम 30/11/22। टॉप क्लास स्कॉलरशिप रो अप्लाई डेट थिला स्टार्टिंग डेट होची 20/7/22 आ लास्ट डेट होची 31/10/22, आउ इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन होची 15/11/22 आउ स्टेट लेवल वेरिफिकेशन होची 30/11/22। तो ये प्रकार किसी इनफर्मेशन थिला। शेष लेखा गला जे ए जो पिला मानक पई जो स्कॉलरशिप स्लॉट अछि ता बहुत लिमिटेड अछि जाकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कह जाइछि। तो सेति में रिक्वेस्ट कर जाइछि समस्त रजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानक जैसे शीघ्र यथाशीघ्र जी इलिजिबल SWD मीनस सोशल स्टूडेंट विथ डिजेबिलिटी, SWD फुल फॉर्म होची स्टूडेंट विथ डिजेबिलिटी। तो जो मैंने इलिजिबल अटंती से माने जेपरी डिप्राइव हेबे नाही मीनस से माने पाइबा को अयोग्य जेपरी न हेबे यथाशीघ्र से मानक पई अप्लाई करा बोली एठी कुहा जाइछि। तो आपण मैंने निश्चित रूप से निजर जब कौन भाई भी कि रिलेटिव कि साइपर्स लोक जो किए थी आ प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक और टॉप क्लास स्कॉलरशिप इलिजिबल हो तो निहत रूप अप्लाई करने अनुरोध। तो बस ये प्रकार किसी सूचना थी, आशा करीडियो समस्त निहत रूप भल लगे। जदि किसी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पचारत, मुझे परवर्त भिडियो समाधान नहीं आसपा चेस्टा करी। ओके, तो चलते थैंक यू सो मच।